अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू वाला पराठा, जिसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। उनको मैंने अच्छी तरह छील के रख लिए। ये मैंने 8 से 10 सब्ज़ मिर्च उनको ग्राइंड करके रखा। ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया वो है, ये थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है, थोड़ा सा मैंने खुश्क धनिया ली है, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, ये अनारदाना है, ये गरम मसाला ली है और ये नमक हसबे जायका। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आलू को मैशर के साथ उसको अच्छी तरह मैश कर लूँगी। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, सारे मसाले डालेंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स। आलू की पिट्ठी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये मैंने छोटे छोटे पेड़े बना के रख लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह हम पेड़ों को बेल लेंगे और इस तरह लगा लेंगे बीज। और जोड़ देंगे इनको। अब हम इसको बेल लेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया, तो अभी ये मैं पराठा तवे के ऊपर डाल दूँगी। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इस पर लगाएंगे ऑयल। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े का पराठा बनने वाला है। एक साइड से पक गया मेरा पराठा, अब हम इसकी करते हैं साइड चेंज। पराठा हमारा बिल्कुल पक गया, तो अब हम इसको उतार लेंगे। हमारा गरम पराठा तैयार है, तो अब हम इसको चाय के साथ सर्व कर। हमारा आलू वाला गरम गरम पराठा तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह।